रोहिणी कोर्ट में आज बड़ा ही दुखद दिन है और बहुत ही प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान है शासन प्रशासन पर, क्योंकि इतनी लेयर सिक्योरिटी के बाद, इतनी सुरक्षा, सघन सुरक्षा के बाद, मेटल डिटेक्टर के बाद भी कोर्ट के अंदर स्पेशल जज श्री गगनदीप सिंह जी की कोर्ट में असलाह पहुंचना और उसके बाद तीन लोगों पर हमला होना, जिसमें एक विटनेस बॉक्स में ही दो की तो तुरंत कोर्ट के अंदर मौत हो जाना, एक की हालत नाजुक बनी हुई है, और ये सवालिया निशान है। और बात ये नहीं कि क्रिमिनल हैं या गैंगस्टर हैं या गैंगवार है, ये नहीं, लेकिन सवालिया निशान है कि प्रश्न है सिस्टम पर कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद की गई थी 30,000 की घटना के बाद और डिफरेंट कोर्ट घटनाओं के बाद, इस पर क्या है, इस पर शासन प्रशासन किस तरह से कोर्ट के अंदर प्रेमिसेज में साइलेंसर लगा के हत्याएं कर देना और इस तरह से ये करना, ये एक प्रश्न है और बड़ी दुखद बात है और हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसकी वजह से इस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी सभी जगह और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी पड़ेगी, चाहे जिला अदालत हो चाहे हाईकोर्ट हो, इस तरह से ऐसी घटनाओं की जिससे कि पुनरावृत्ति न हो सके। ये बहुत ही सवालिया निशान एक आम आदमी के ऊपर जहन पर प्रश्न छूटता है कि अगर कोर्ट के अंदर, कोर्ट के प्रेमिसेस में गवाही देने आने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है तो कैसे निष्पक्ष गवाही की हम कल्पना कर सकते हैं, कैसे हम आशा कर सकते हैं गवाह निष्पक्षता पूर्वक गवाह देगा और सच्चे केस में दोषी को दंड मिलेगा और निर्दोष साबित हो पाएगा। इसलिए एसएसयू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय कैसे सबको उपलब्ध हो पाएगा, ये सवालिया निशान है। इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत ही गंभीर निर्णय लेकर इस पर चिंता जाहिर करके करना चाहिए, क्योंकि आज जो रोहिणी कोर्ट में हुआ बहुत ही दुखद है।